चैनल नाज ब्यूटी एंड मेहंदी, मैं हूँ नाज। कैसे हो आप सब? गाइज, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ द ग्लैम मेकअप लुक फॉर दिवाली। जी हाँ, तो आज मैंने ये ग्लैम मेकअप लुक किया है दिवाली के लिए। तो गाइज, इसके साथ मैंने वियर किया है ये गाउन, छोटा सा तो नहीं, एक्चुअली लॉन्ग गाउन है। और यहाँ पर मैंने अपने हेयर को कर्ली किया है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और आज थोड़ा मेकअप मैंने डिफरेंट किया है, बिकॉज मैंने मेरे जो ड्रेस के साथ वो थोड़ा सा ग्रीन मैंने किया है, थोड़ा बॉटल ग्रीन कलर है ये। यहाँ पर मैंने बॉटल ग्रीन कलर के इयररिंग्स डाले हैं, उसके साथ ही मैंने ग्रीन कलर का अपना आईज मेकअप किया है। और यहाँ पर मैंने लिपस्टिक थोड़ी न्यूड लगाई है, न्यूड नहीं है एक्चुअली, थोड़ा डार्क कलर है। तो ये सभी के ऊपर अच्छा लगता है, मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो। तो गाइज, अगर आप भी इंटरेस्टेड हो ऐसा मेकअप करने में तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। गाइज, अगर आप बिगिनर्स हो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। मैंने सारे स्टेप्स को फॉलो किया है और बहुत इजीली धीरे धीरे मैंने आपको सारे स्टेप्स को एक्सप्लेन किया है, बिकॉज जो बिगिनर्स होते हैं उनको उतना ज़्यादा समझ नहीं आता। तो मैंने बहुत इजीली इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है मेकअप ट्यूटोरियल, स्टेप बाय स्टेप आप इसको फॉलो कर सकते हैं और आप भी मेरी तरह ऐसा ही मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइज, चलिए हम बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट। गाइज, यहाँ पर मैंने गुड वाइब्स का टोनर लिया है, रोजहिप टोनर है। आपको टोनर लगाना चाहिए, इसके साथ आपके जो पोर्स हैं वो मिनिमाइज़ हो जाते हैं। यहाँ पर मैं रोजहिप ग्लो सीरम ले रही हूँ, बहुत अच्छा सीरम है। आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कोई भी सीरम ले सकते हैं जो आपको सूट करता हो। उसके बाद गाइज, ये इसको मैं अच्छे से पूरे फेस के ऊपर लगा लूँगी, थोड़ी सी देर मसाज कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने प्लम का मॉइस्चराइज़र लिया है, बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है ये, ऑयली स्किन वालों को बहुत अच्छा सूट करता है ये, बेला वोस्ट का। यहाँ पर मैं प्राइमर ले रही हूँ। मेकअप से पहले गाइज प्राइमर लगाना चाहिए, प्राइमर लगाने से जो हमारे पोर्स होते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं और जो हमारा बेस है वो बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस बनता है और बहुत अच्छा बनता है। मेबलिन फिटमी का यहाँ पर मैं फाउंडेशन ले रही हूँ, 128 मेरा शेड है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, चेक कर लेना। उस गाइज, इसको मैं डॉट डॉट करके पूरे फेस के ऊपर लगा लूँगी अच्छे से। यहाँ पर इसको मैंने लगा लिया और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको पूरे फेस के ऊपर टैप टैप करके अपनी फेस के ऊपर अच्छे से लगा लूँगी। उसके बाद गाइज, यहाँ पर अपनी नेक के ऊपर लगा लूँगी स्विस ब्यूटी का कंसीलर लेकर, अपनी आईज़ के नीचे, लिप्स के कॉर्नर पर और थोड़ा सा फोरहेड पर और चिन के ऊपर लगा लूँगी। अगर आपके डार्क सर्कल नहीं है तो आप कंसीलर को स्किप भी कर सकते हो। इसको मैंने अच्छे से लगा लिया है। बायोटिक का लिप बाम लेकर अपने लिप्स के ऊपर अप्लाई कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने मेबलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है, अपने बेस को सेट कर रही हूँ, जो एक्सेस है वो निकल जाएगा और नेक पर और पूरे फेस के ऊपर इसको अप्लाई कर लूँगी। ब्रोज को फिल करने के लिए गाइज, यहाँ पर मैंने वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो किट लिया है और बहुत ज़्यादा अच्छा आईब्रो किट है ये। मैंने इसका बहुत बार इसको ट्राई किया हुआ है अपनी वीडियो में, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। न्यूड पैलेट ले रही हूँ हुडा ब्यूटी का और थोड़ा थोड़ा सा शेड लेकर मैं अपनी कट क्रीज के ऊपर लगाऊंगी, एक साथ मैं नहीं लगाऊंगी, थोड़ा थोड़ा ही इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। और ये देखिए कितना अच्छा मेरा बेस बन रहा है। इसकी ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए तभी आपका जो है आईज़ मेकअप बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। इसको मैंने अप्लाई कर लिया, दोनों आईज़ के ऊपर मैं इसको अप्लाई कर लूँगी। स्विस ब्यूटी का यहाँ पर मैंने ग्लिटरी आई शेडो पैलेट लिया है और ग्रीन कलर लेकर मैं अपनी आईलेट के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। फिंगर से ही लगाऊंगी, फिंगर से इसकी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आती है, बहुत ग्लो करता है ये। दोनों आईज़ के ऊपर गाइज मैं इसको लगा लूँगी और अच्छे से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है और फिंगर के साथ ही मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। मार्स का ग्लिटर लिया है, ग्रीन कलर का ग्लिटर लेकर मैं जहाँ पर मैंने ग्रीन कलर का आई शेडो लगाया है उसके ऊपर डैप डैप करके मैं इसको अच्छे से लगा लूँगी। और बहुत ज़्यादा भर के नहीं मैंने इसको लगाया, बहुत लाइट सा लगाया है। लैक्मे का गाइज मैंने आईलाइनर लिया है, मेरा मोस्ट फेवरेट आईलाइनर है ये, मुझे बहुत पसंद है। आप इसको ट्राई कर सकते हैं या जो आपको अच्छा लगता हो वो लगा लीजिए। थोड़ा सा विंग लाइनर मैं यहाँ पर बना रही हूँ, दोनों आईज़ के ऊपर लगा लिया। अपनी लैशेज़ को मैं यहाँ पर कर्ल कर लूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है कर्ल्स करना, आप ट्राई कर सकते हो। मी ऑन का यहाँ पर मैंने मस्कारा लिया है, लैशेज लगाने से पहले मस्कारा लगाना बिल्कुल मत भूलना। उसके बाद गाइज, यहाँ पर मैंने न्यूड पैलेट में से अपनी आईज़ के नीचे लगा रही हूँ, थोड़ा सा जो शेड मैंने आईज़ के ऊपर लगाया था वही शेड मैं आईज़ के नीचे लगा रही हूँ। ग्रीन कलर को मैं अपनी आईज़ के कॉर्नर पर लगा लूँगी, हाफ लगाऊंगी, फुल आईज़ के नीचे मैं नहीं लगाऊंगी, ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा वो ऑड लगेगा। थोड़ा थोड़ा सा मैं लगा लूँगी और साथ के साथ ही मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी बहुत, ताकि ब्यूटीफुल सा मेरा आईज़ मेकअप लगने लगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने फेसेस का काजल लिया है, वाटरप्रूफ काजल है ये और बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। के बाद गाइज, यहाँ पर मैंने स्विस ब्यूटी का ब्लशर लिया है और यहाँ पर मैं इसको अपने चीक्स के ऊपर लगा रही हूँ, दोनों चीक्स के ऊपर मैं लगा लूँगी, बहुत अच्छा ब्लशर है ये।
और अपनी ब्रोज के नीचे मैं थोड़ा सा हाइलाइटर लगाऊंगी, बहुत अच्छा हाइलाइटर है ये भी स्विस ब्यूटी का ही है, नोज़ के ऊपर, लिप्स के ऊपर और यहाँ पर अपने चिक्स बोन के ऊपर मैं लगा लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, लाइट लाइट सा ही थोड़ा सा ही हाईलाइट करूँगी। ये देखिए अपनी चिन के ऊपर भी मैंने इसको अप्लाई कर लिया है। मी ऑन की लिपस्टिक लगा रही हूँ, बहुत अच्छी लिपस्टिक है ये, लॉन्ग लास्टिंग है, मुझे बहुत अच्छी लगती है और बहुत प्यारा इसका कलर है। और थोड़ा सा मैंने इसको लगा रही हूँ, धीरे धीरे लगाऊंगी गाइज, एक साथ भर के हमने नहीं लगाना। आप चाहे तो लिप लाइनर लगा लीजिए आउटिंग करके, आप अपनी लिप्स की बहुत आसान हो जाता है अगर आप लगाना चाहते हैं तो। उसके बाद गाइज मैंने मैल्यू का मेकअप फिक्सर लिया है और बस फाइनल लुक मेरा यहाँ पर कंप्लीट है। आप देख सकते हो कितना अच्छा मेरा बेस बना है, ब्यूटीफुल मेरा मेकअप हुआ है और मैंने थोड़ा सा अपने जो हेयर स्टाइल है उसको थोड़ा चेंज किया है। यहाँ पर गाइस मैंने अपने हेयर को कर्ल किया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कर्ल करना। आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंगली कोई भी हेयर स्टाइल गाइस बना सकते हैं। तो गाइस अगर आपको भी मेरा मेकअप लुक अच्छा लगा हो और मेरा मेकअप करने का तरीका आपको पसंद आया हो तो आप भी प्लीज़ ऐसे एक बार मेकअप ट्राई करिए, बहुत ईजी है, बहुत मैंने ईजीली आपके साथ शेयर किया है और काफ़ी अच्छा मेरा बेस बना है और बहुत अच्छी मेरी लुक लग रही है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों को ये मेरा मेकअप लुक कैसा लगा, और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो बहुत इजी हो जाएगा ऐसा मेकअप क्रिएट करना, बहुत इजीली मैंने सब कुछ आपके साथ शेयर किया है। तो गाइज आप लोगों को ये मेरा मेकअप लुक कैसा लगा प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो गाइज हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।